बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज़ और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। छम 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 घुंघरों की तेज़ आवाज़ के साथ ढोल और धमाल की गूंज मेरे कानों के पर्दे अचानक चीरने लगी थी। मैं घबराहट के मारे उठकर बैठ गई। मेरे पूरे वजूद में जलन सी हो रही थी। वो रात का आखिरी पहर था। बादलों ने पूरे गांव को अपनी लपेट में ले रखा था और फिर वो इस कदर बरसे कि नदी और नाले अपना रास्ता भूल गए। अब गर्मी की शिद्दत में बहुत हद तक कमी आ गई थी। लाइट ना होने की वजह से मैं सहन में सोई थी, लेकिन फिर भी बारिश की वजह से लॉन्च में चारपाई डालकर सोना पड़ा था। मूसलाधार बारिश, घुंघरों और ढोल की आवाज़ ने बेदार कर दिया। उस वक्त मेरा दिल भी किसी ढोल की तरह बज रहा था। मुझे गुज़िश्ता चंद रोज़ से एक ख्वाब ने बहुत तंग कर रखा था। सुबह उठी तो किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा था। बहुत अजीब सी हालत हो गई थी। खैर, दिन किसी न किसी सूरत कामों में गुजर गया। रात फिर वही ख्वाब मेरी आँखों का मेहमान था जिसने मेरी परेशानी में मज़ीद इजाफा कर दिया। अब इस बात का किसी से ज़िक्र करना भी ज़रूरी हो गया था। अम्मी से ये बात नहीं कर सकती थी कि वो जल्दी परेशान हो जाती हैं। फिर बड़ी बहन से इस ख्वाब का जिक्र किया जो कि मुसलसल मुझे चंद रातों से आ रहा था। इन्होंने कोई ख़ास रद्दअमल नहीं दिखाया, बस ये कहकर टाल दिया कि ये ख्वाब तो जहन की तख्लीक होते हैं, तुम ज़्यादा सोचा ना करो। मैंने बहन की बात को ही सच जाना, लेकिन फिर एक रात छोड़कर वही आवाज़ें मेरे कानों में गूंज रही थीं। अगली सुबह मैंने बहन से कहा, आप ही मालूम नहीं इन ख्वाबों का इशारा किस तरफ है। हो सकता है मैंने कोई मन्नत मानी हो, लेकिन पूरी होने के बाद मैं भूल गई हूँ। शायद चलते चलते हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर चादर चढ़ाते हैं। हो सकता है कि उसके बाद ख्वाब आना बंद हो जाए। मैंने ये बात संजीदगी से कही थी, सो आप ही राज़ी हो गई। हजरत लाल शहबाज कलंदर 6वीं सदी हिजरी के आखिर में पैदा हुए थे और आप सेवन शरीफ ज़िला दादुसन में आराम फरमा हैं। दुनिया आपको शहबाज विलायत मखदूम औलिया हजरत हाफिज़ सैयद उस्मान मरवंदी अलमारूफ लाल शहबाज कलंदर के नाम पाक से जानती है। बरसगीर में आपको बड़ी शहरत, अकीदत और मोहब्बत हासिल है। सेवन सिंध का अजीम रूहानी मरकज़ है जहां हर वक्त मेले का समा होता है। माशाल्लाह, क्या रूहानी सुकून मिलता है। मज़ार कलंदर पर वहां से जाने को दिल नहीं करता। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मैं जब भी वहाँ से हटने की कोशिश करती तो एक अजीब कैफियत तारी हो जाती, जैसे कोई तिलस्माती चीज़ अपनी ओर खींचती। मेरी हालत देखकर मेरी बहन परेशान हो गई। हुआ क्या है तुम्हें, यह अचानक रोने जैसी शक्ल क्यों बना रखी है। मैं खुद नहीं जानती मेरे साथ क्या हो रहा है, मैंने खोए हुए लहजे में जवाब दिया। फिर यूँ ही गुमसुम हालत में चादर चढ़ाई। दुआ मांगते हुए समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मांगूँ। बस चुपचाप खड़ी रही कि दिलों के भेद तो अल्लाह ही जानता है, मन की मुरादें भी वही पूरी करेगा। इसी यकीन के साथ मैं मज़ार के सहन में आ गई। वहाँ ज़ायरीन की भीड़, ढोल की आवाज़, घुंघरों की जोश मुझे होश की दुनिया में ले आई कि ये तो वही मंजर है जो मैं कई बार ख्वाब में देख चुकी हूँ। वहाँ एक औरत कोई 35 बरस की होगी, बेतरतीब खुले बालों के साथ बलोची लिबास में अपने जुनून में मगन धमाल डाल रही थी। वहाँ कोई 7-8 माह की एक हामला औरत भी अपनी धुन में रक्स किए जा रही थी। उसे इस हालत में देखकर मेरी अपनी हालत ख़राब होने लगी। उसके होने वाले बच्चे की उसे ज़रा भी परवाह नहीं थी। वाहरे मौला, तेरी शान और मुरीद पाक की अकीदत के राज तू ही जाने। चलो ना आप ही यहाँ से, मुझे डर लग रहा है इस औरत को देखकर, कहीं ऐसा ना हो कि मुझ पर किसी का साया पड़ जाए। कहते हैं ना कि कंवारी लड़कियों का ऐसी जगहों पर जाना मुनासिब नहीं, यहाँ पर अक्सर दूसरी मखलूक भी डेरे डालकर रखती है। मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा, हाँ तो क्या ज़रूरत थी इधर आने की। आप ही कुछ नाराज़ होने लगी, बस आप ही वो ख्वाब। हाँ बस ठीक है, अब चलो। हम बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ गए। अब जो देखा तो हमारी गाड़ी की पिछली सीट पर एक छोटी सी बच्ची जो लगभग 2.5-3 साल की होगी बड़े आराम से बैठी मुस्कुरा रही थी। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा कि ये किसकी बच्ची हमारी गाड़ी में आ गई है या कोई छोड़ गया है। हम बच्ची को उठाकर वापस मज़ार पर गए कि पता करवाएं किसी की बच्ची खो तो नहीं गई। वहाँ एक मतवली से जाकर मिले और इस बात से आगाह किया, अपने भाई का नंबर भी लिख कर दिया।
कि जिसकी बच्ची है इस नंबर पर रابطہ कर ले। तकरीबन हम एक से डेढ़ घंटा वहीं पर टहलते रहे कि कोई बच्ची का वारिस तलाश करने आ जाए, मगर कोई ना आया। तब हम घर वापसी के लिए रवाना हो गए, बच्ची को भी साथ बिठा लिया। वो बिल्कुल खामोश, बस दीदे फाड़ कर हमें देखती रही। उस रोज़ बहुत गज़ब की गर्मी थी, हमारे पसीने छूट रहे थे। सेवन शरीफ में तो गर्मी वैसे भी ज़्यादा ही जोश मारती है, लेकिन वो बच्ची बेफिक्र और पुरसकून थी, उसे ज़रा बराबर भी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। हम रास्ता भर बार बार उसे देखते रहे, मगर वो बगैर शोर किए चुपचाप बैठी रही। घर पहुंचकर मैंने उसे गोद में उठा लिया। तब उसने कोई ऐसी हरकत नहीं की जो आमतौर पर बच्चे करते हैं। शुक्र है आपी, हम जल्दी वहाँ से निकल आए, वरना पता नहीं मुझे क्या होने वाला था। तुम मत जाया करो किसी भी मज़ार पर, मालूम नहीं वहाँ पर दूसरी मखलूक भी पाई जाती है जो अक्सर जवान लड़कियों की तलाश में रहती है। अगर किसी का दिल आ गया ना तुम पर, तो फिर गई काम से। बस फिक्र है आपी, क्या बहकी बहकी बातें कर रही हैं, पहले ही सहम गई हूँ ऊपर से आपकी ये बातें। अच्छा चलो, मैं बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। इस बच्ची को कुछ खिलाओ पिलाओ, पता नहीं कब से भूखी होगी। मैंने बच्ची को खिलाना पिलाना चाहा, लेकिन अपनी कोशिश में नाकाम रही। फिर भी थकन उतारने के लिए सोने के ख्याल से लेट गई। दो घंटे बाद मेरी आँख खुली तो देखा वो बच्ची मेरे बराबर में पड़े सोफे पर बड़े मज़े से बैठी हुई थी। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे प्यार की थपकी दी, तब वो ज़रा सा मुस्कुराई। मुझे ताज्जुब सा हुआ कि ये कैसी बच्ची है जो तंग होती है, न रोती है जैसा कि आम तौर पर बच्चे करते हैं। तभी आपी ने मुझे आवाज़ दी, मेरे सर में दर्द हो रहा है, ज़रा बाम लाकर मेरे सर की मालिश कर दो। मैं छोटे कमरे में आपी के लिए बाम लेने गई। जो ही कमरे में कदम रखा, मुझे अपना सर हवा में उड़ता हुआ महसूस हुआ। यूं लगा जैसे कई फुट हवा में नीचे गिरी हूँ। हाय अल्लाह, मेरा पाँव। सुनो, मैं तेल गर्म करके आती हूँ, इसकी मालिश से तुम्हें आराम मिल जाएगा। वैसे तो तुमसे अपने सर की मालिश करवाना चाह रही थी, अब तुम्हारे पैर की मालिश करना पड़ रही है, आपी ने मुस्कुराते हुए कहा। आपी मेरे लिए गर्म तेल लेने चली गई। इतने में लबों पर मुस्कुराहट सजाए बच्ची ने धीरे धीरे मेरे पाँव पर अपने हाथ फेरना शुरू कर दिए। मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे कोई छोटी बच्ची नहीं, कोई बड़ा मेरा पाँव दबा रहा हो। वो मुस्कुरा भी रही थी। एक लम्हे को मैंने अपना पाँव हटाने की कोशिश की। ये लो बेटा, दूध पी लो। आपी ने कमरे में दाखिल होते ही दूध का फीडर बच्ची की तरफ बढ़ाया। बच्ची ने आपी के हाथ से फीडर लेकर ढक्कन खोला और दूध यूं पी लिया जैसे गिलास में पीते हैं। ये देखकर हम दोनों चौंक गए, लेकिन बोले कुछ नहीं। अब तुम आराम करो, मैं रात के खाने के लिए गोश्त चढ़ा आती हूँ। मेरे पैर की मालिश के बाद आपी के जाते ही वो बच्ची मेरे बेड से उतरकर बाहर जाने लगी, तो मैंने उसे आवाज़ दी, बेटा कहाँ जा रही हो, यहीं बैठो। मगर उसने मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा और बाहर चली गई। अभी मैं उस बच्ची के बारे में सोच ही रही थी कि आपी खासी गुस्से में कमरे में दाखिल हुई। तुमने कहा था ना कि गोश्त फ्रिज में रख लेना, क्यों नहीं रखा? अरे आपी, मैंने खुद गोश्त फ्रिज में रखा था, मैंने उन्हें यकीन दिलाया। मगर अब उन्हें भला कैसे यकीन आता, क्योंकि गोश्त तो फ्रिज से गायब हो गया था। मुझे बिस्तर पर लेटे हुए दो दिन गुजर गए। जब मैं उठी तो पाँव जैसे ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। फिर मैं खुद को घसीट कर बाहर सहन में ले आई, देखा तो बच्ची चारपाई पर बैठी मेरे भतीजों के खिलौनों से तो खेल रही थी, लेकिन उन बच्चों से बिल्कुल अलग अपनी दुनिया में मगन थी। अभी मैं बैठी ही थी कि आपी के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं दौड़ने से तो रही, मेरे उठने से पेशतर वो बच्ची भागने वाले अंदाज में अंदर जा रही थी। खैर, मैं बड़ी मुश्किल से आपी के कमरे में पहुंची तो आपी की हालत बहुत ख़राब थी, हाई ब्लड प्रेशर, वो बहुत बेचैन सी लग रही थी। ये हो क्या रहा है हमारे घर में, मैंने सोचा, जब से हम इस बच्ची को साथ लाए हैं कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। मेरी हालत संभली तो आपी की तबीयत ख़राब हो गई। उस रोज़ गोश्त ही फ्रिज से गायब नहीं हुआ, कई चीज़ें घर से गायब थीं। इसके अलावा छोटे मोटे वाक़यात भी रोनुमा हुए। ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ है, मेरे दिमाग ने अपने ज़िंदा होने की खबर दी। बच्ची को अब हमारे घर में कई दिन गुजर गए थे, उसे कोई लेने नहीं आया था, जबकि हम अपना मोबाइल नंबर भी मुतवल्ली को देकर आए थे। आप ही ऐसा करते हैं कि कल सेवन शरीफ जाकर बच्ची को वहीं छोड़ आते हैं, पता नहीं इसके साथ क्या चक्कर है। आपी ने फौरन ही मेरी बात मान ली, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि वो इस काम के लिए अकेली ही जाएंगी। अगली सुबह आपी सेवन शरीफ जाने की तैयारी कर रही थी। इन्होंने मुझे कहा कि मैं बच्ची को हमारी भतीजी के कपड़े पहना दूं,
کیونکہ اس کے کپڑے رات کو خاصے میلے ہو گئے تھے۔ میں نے فوراً ہی ان کی ہدایت پر عمل کیا۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے اچانک ہی آپی کی پریشان آواز سنائی دی۔ کیا ہوا آپی، تم نے ابھی جو بچی کو کپڑے پہنائے وہ اسے پورے تھے یا چھوٹے؟ بالکل فٹ آپی، اپنی بھتیجی کی عمر ہی کی تو ہے یہ بچی، میں نے آپی کے سوال کا جواب دیا۔ تو پھر یہ چھوٹے کیسے ہو گئے؟ اب میں نے جو غور سے بچی کی طرف دیکھا تو پاجامہ گھٹنوں تک اور فراک تو بالکل آدھی سی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ اس بچی میں ضرور کوئی ایسی بات تھی جو ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ کیا آپ بھی وہی سوچ رہی ہیں جو میں؟ تب آپی نے صرف اسبات میں سر ہلا اور خاموشی سے بچی کو اٹھا کر چل دی۔ سیون شریف پہنچ کر آپی سیدھا اس متولی کے پاس گئیں اور کہا تھا کہ یہ وہی بچی ہے جو اس روز کچھ دن پہلے ہمیں یہاں سے ملی تھی۔ بچی کے حوالے سے ساری حقیقت بھی بیان کی۔ ہاں بیٹی، اب میں جان گیا ہوں کہ یہ بچی کون ہے، متولی نے بچی کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ دراصل میں اس دن زیادہ دھیان نہیں دے پایا، لیکن جو واقعات آپ نے بتائے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بچی وہی ہے۔ ہمارے دادا حضور یہاں مجاور تھے اور یہ داستان میرے والد صاحب نے مجھے سنائی تھی۔ 14 جولائی 1994 کو یہ مقبرہ شہید ہوا۔ اس وقت کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے روضہ شریف کی دوبارہ تعمیر کا حکم دیا تھا۔ اس سلسلے میں نیشنل کنسٹرکشن کمپنی لمیٹڈ کو ٹھیکہ دیا گیا تھا، جس نے امام علی رضا کی طرز کا نقشہ بنوایا اور منصوبے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ کل خرچ 980 ملین روپے کا تخمینہ لگایا گیا، جس میں ڈسٹرکٹ آفیسر داؤد کو زیر تعمیر روضہ شریف کا پروجیکٹ بیٹ نامزد کیا گیا۔ روضہ شریف کی عمارت کو بہت بلند بنایا گیا اور مقبرہ گولڈن کلر سے مزین کیا گیا ہے۔ زائرین کے قیام کے لیے مسافر خانہ، آسانی کے لیے لنگر خانہ، وضو خانہ، غسل خانہ وغیرہ بھی بنوائے گئے۔ یہ جدید تعمیر محکمہ اوقات سندھ کے زیر اہتمام ہوئی، جو 1941 سے درگاہ شریف پر موجود ہے۔ تو بیٹی رانی، اس وقت سے پہلے جو یہ بچی دیکھنے میں بچی نظر آ رہی ہے نا، حقیقت میں یہ کوئی بچی نہیں، 100 سال پہلے سے اس کی رہائش کا یہی ہے۔ اس کا تعلق قوم اجنا سے ہے۔ بہت اچھا کیا جو آپ اسے واپس لے آئیں۔ واپس تو یہ خود بھی آ سکتی تھی، مگر اسے شاید آپ کا رہن سہن بھاگ گیا جو آئی نہیں، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا۔ لیکن بابا، یہ تو خود ہماری گاڑی میں آ کر بیٹھی تھی نا، آپی نے پریشانی ظاہر کر دی۔ بالکل بیٹی، یہ کئی لوگوں کے ساتھ ایسا کر چکی ہے، پھر ایک ہی دن میں واپس آ جاتی ہے۔ آپ کی محبت اور سادگی نے اسے وہاں رہنے پر مجبور کر دیا۔ جو یہ وہاں مزے سے رہ رہی تھی، یہ چاہتی تو کوئی نقصان بھی پہنچا کر چلی آتی، لیکن آپ خوش قسمت ہیں، خوش رہیں۔ آپ ہی بتاتی ہیں کہ میں نے اس بچی کو مزار کے صحن میں اتارا تو اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ میں نے اس کی چھوٹی فراک کی طرف جو میری بھتیجی کی تھی۔ پھر وہ بچی ہاتھ ہلا کر پلٹی اور چند لمحوں میں غائب ہو گئی۔ وہاں اس کے بعد مجھے وہ خواب کبھی نظر نہیں آیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔